सब्जी बनाने के लिए लौकी को छील करके कट कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में। फिर बताते हैं कि हम लौकी की सब्जी कैसे बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। तो चलिए वे इसको पहले कट कर लें। छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। इस लौकी में एक भी बीज नहीं है। अगर लौकी में बीज हो जाता है तो उसे हटा देना चाहिए, लेकिन इसमें बीज नहीं है तो इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। इसी तरह सभी कट कर लेंगे। लौकी को कट करके धो लिया है। अब इसको कुकर में डाल करके थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा। इसको 2 सीटी लगा करके बॉईल करेंगे। पैन रख दिया है गैस पे, बाकी तैयारी हो गई है सब्जी बनाने की। अब इसमें ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा, कटी हुई प्याज, तेज पत्ता, प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होने देंगे। प्याज भुन गई है। अब इसमें डालेंगे हम बाकी मसाले, कुटी हुई काली मिर्च 1/2 चम्मच, लहसुन का पेस्ट, तो थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, बस मसाले को 2-3 बार चलाएंगे जिससे मसाले जले नहीं। ये टमाटर को मैंने पीस लिया है मिक्सर जार में, ये डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, कलर अच्छा आ जाता है सब्जी का। इसमें मैंने हरी मिर्च यूज़ नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च छोटा चम्मच डालेंगे, 1 चम्मच भर करके। ये ऑप्शनल है, तीखा आप अपने हिसाब से रखिएगा। और इस सब्जी को एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी होती है खाने में। ये 2 बॉइल्ड आलू मैंने लिया है, इसमें डालेंगे साथ में। मसाला अच्छी खुशबू आ रही मसाले से। मसाला बहुत अच्छे से भून गया है। अब ये जो मैंने लौकी को बॉईल किया था, अब इसको इसमें डालेंगे। इस तरीके से बनाई हुई सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है।
जब एक बार आप खाएंगे तभी समझेंगे कि कितना अच्छा टेस्ट इस सब्जी का होता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको भूनेंगे थोड़ी देर तक। सब्जी बहुत अच्छे से भून गई है। लौकी बॉईल करने में जो पानी बचा था इसमें, इसको ग्रेवी में डाल देंगे। बहुत थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और इसको ढक देंगे 3-4 मिनट के लिए मीडियम पे फ्लेम करके, और इसी तरह इसको कुक होने देंगे। 4 मिनट लगभग हो गए हैं। अब इसको खोल के देखते हैं, चेक करते हैं। सब्जी तैयार हो गई है। अब इसमें ऊपर से एक चीज हम और डालेंगे। ये है करी मसाला। करी मसाला मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैंने भी कुछ दिन पहले ही शेयर किया था और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। खाने के फ्लेवर को, कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो उसके फ्लेवर को बहुत बढ़ा देता है ये मसाला। इसको हम बना के रखते हैं। आप एक बार इस सब्जी को बनाकर खाइएगा, फिर आपको पता चलेगा। लौकी की तो मसाले वाली सब्जी सभी बनाते होंगे, लेकिन बॉईल करके बनाने में इसका टेस्ट कैसा होता है, जब एक बार बनाकर खाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अब इसमें डाल देंगे धनिया और गैस को कर देंगे ऑफ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।